ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಸಮಸ್ತ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣೇ ನಿರತಂ ಕರುಣಾಮಯಂ ನಮಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಂ ದೇವಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ವರಂ ಓಂ ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಬಾದರಾಯಣಂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತೌ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಯೋಗಸ್ಯ ಪ್ರಥಮದ್ವಾರಂ ವಾಗ್ನಿರೋಧೇ ಪರಿಗ್ರಹಃ ನಿರಾಶಾ ಚ ನಿರೀಹಾ ಚ ನಿತ್ಯಮೇಕಾಂತಶೀಲತಾ. ಏಕಲ್ ದೇಖಃ. ತೋ ಯಹಾಂ ಪೇ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ನೇ ಜೋರ್ ದೇ ರಹೇ ಹೈ ಪ್ರಥಮಸ್ ದ್ವಾರಂ ಯೋಗಸ್ಯ, ಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಾರ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ವಾಕ್ ನಿರೋಧ. ಠೀಕ ಹೈ, ಮನೆ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಕಲ್, ಕಿಸಿ ಕೇ ಸಾಥ್ ಛೇಡ್ ಛಾಡ್ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಹೈ. ಠೀಕ ಹೈ, ಜಿತ್ನಾ ಆಪ್ ಮೌನ್ ಮೇ ಬೈಠೋಗೆ ಉತ್ನಾ ಅಚ್ಛಾ ಹೈ. ಜಬ್ ಕೋಯಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂಚಾ ಜವಾಬ್ ದೇನಾ ಹೈ, ಐಸೆ ನಹೀ ಕಿ ಮೌನ್ ಮೇ ಬೈಠನಾ ಹೈ. ಮಗರ್ ಆಪ್ನಾ ಅಕಲ್ ಲಗಾ ಕೇ ಸೋಚೋ ಇಸ್ ಪರ್. ಯೋಗಸ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಾರಂ ವಾಗ್ ನಿರೋಧೋ ನಿರೋಧೇ, ದೂಸರಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಅಪರಿಗ್ರಹ. ಜಿತ್ನಾ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಮೇ ಜೀವನ್ ಜೀನಾ ಸೀಖೋ. ಪರಿಗ್ರಹ, ಪರಿಗ್ರಹ ಜ್ಯಾದಾ ಸಾಮಾನ್ ಇಕಟ್ಟೆ ಕರಣ, ಲಾಲಚ್ ಲಾಲ್ಚಿ ಇಕಟ್ಟೆ ಮೇ ಲಾಲ್ಚಿ. ತೀಸರಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ನಿರಾಶಾ. ನಿರಾಶಾ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ವೈರಾಗ್ಯ, ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ವಿರಕ್ತ ಭಾವ. ಔರ್ ನಿರೀಹ, ಈಹ ಮಾನೆ ಕರ್ಮ. ಸೊ ನಿರೀಹ ಕಾ ಮತ್ ಮೇ ನಿಷ್ಕರ್ಮತ್ವಂ. ಠೀಕ ಹೈ, ನಿರೀಹ. ಕರ್ಮ ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಮೇ ಮತ್ ಪಡೋ, ಜಿತ್ನಾ ಅವಶ್ಯಕ ಹೈ ಉತ್ನಾ ಹೀ ಕರ್ಮ ಹಮಕೋ ಕರಣಾ ಹೈ. ನಿತ್ಯಂ ಏಕಾಂತಶೀಲತಾ, ಪಾಂಚ್ಮಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಏಕಾಂತಶೀಲತಾ. ಠೀಕ ಹೈ, ಜಹಾಂ ತಕ್ ಹೋ ಜಾಯ್ ಏಕಾಂತ ಮೇ ಬೈಠನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್ ಕರೋ. ಏಕಾಂತ ಮನೆ ಕೋಯಿ ಸಾಧನ ನಹೀ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಸಾಥ್ ಮೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಆಜಕಲ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ದೇಖೋಗೆ ಪಾಂಚ್ ಮಿನಿಟ್ ನಹೀ ಏಕ್ ಮಿನಿಟ್ ಭೀ ಬಿನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಥ್ ಮೇ ಬೈಠ ನಹೀ ಸಕ್ತೆ. ಯೇ ಬಡಾ ರೋಗ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ. ಠೀಕ ಹೈ, ಬಡಾ ರೋಗ ಹೋ ಗಯಾ.
एकांत में बैठना, ठीक है। एक बार आप एकांत में रहने का आनंद उठाने लग गए, तब आपको कोई आके पूछा तो भी लगता है कि मेरा एकांत का भंग हो गया है, शांति का भंग हुआ है, ऐसा लगता है। और एकांतवास में बैठकर क्या करना चाहिए? चिंतनम, भगवत चिंतनम, ठीक है। ये पांच। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं अगले श्लोक में, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि एकांत का करो, ये साधन करो, वो साधन करो, नहीं, इसका कोई कारण भी है। कहते हैं एकांतस्थितिरिन्द्रियो परमणे, हेतुर्दमश्चेतसः संरोधे करणं शमेन विलयम्। यायादहं वासना तेनानन्दरसानुभूतिरचला, ब्राह्मी सदा योगिनः तस्माच्चित्तनिरोधये वसततम्। कार्य प्रयत्नान् मुनेः एकान्तस्थितिरिन्द्रयो परमणे हेतोर्दमश्चेतसः संरोधे करणं शमेन विलयम्। यायादहं वासना तेनानन्दरसानुभूतिरचला, ब्राह्मी सदा योगिनः तस्माच्चित्तनिरोधये वसततम्। कार्य प्रयत्नान् मुने, एकांत स्थिति ही इंद्रिय उपरमणे हेतुर्भवति। आपको संस्कृत समझ में आ गया? एकांत स्थिति ही हेतु, हेतु माने कारण, एकांत स्थिति माने एकांत में रहना, माने कोई झंझट के बिना, कोई साधन के बिना, कोई व्यक्ति के बिना अकेला आनंद में रहना, एकांत में रहना। एकांत स्थिति, एकांत में रहना कारण बनता है। किसका कारण बनता है? इंद्रिय उपरमणे, इंद्रिय उपरमणे, इंद्रिय उपरमाम उपरमणम एकांत स्थिति इंद्रिय उपरमणे हेतुर्भवति। माने इंद्रिया शांत हो जाते हैं। ओनली वेन यू आर एक्सपोज टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रियाज आर कॉन्स्टेंटली इंस्पायर्ड। अपने किस भगवान कृष्ण ने क्या कहा, जो इंद्रिय प्रत्येक वस्तु इंद्रियां देखती है, इंद्रियां और विषय वस्तु के संयोग से, ठीक है, क्या होता है, मन में विक्षेप होता है। जब आपके सामने देखिए, कहीं आप किसी शादी में गए हो, वहाँ पे बफे सिस्टम का खाना वहाँ पे लगाया, देखिए जान से सुनिएगा, जितने कम आइटम्स लगाए वहाँ पे उतना आपका मन शांत होता है, और ज़्यादा आइटम जितना लगा दिया वहाँ पे अधिक आपका मन संक्षोभ में पड़ जाता है कि क्या खाऊं,
आपका अनुभव हुआ होगा ये सब, ये भी रखा और कोई आके छेड़ता है आपको, वहां पे जाओ कोने में आपको ये मिलता है। अच्छा वहां लगाया, वहां रखा क्या? हाँ जी। तो प्लेट लेके भागते हैं वहां पे। कुछ कुछ लोग प्लेट में ही कुतुब मीनार बना देते हैं, चार मीनार बना देते हैं, जिलेबी का कुतुब मीनार, चार पांच जिलेबी। माने जितना आप एक्सपोज हो जाते हैं दुनिया को, उतना आपका मन विक्षिप्त हो जाता है। ये नियम है। सो एकांतवास में रहने का मतलब क्या है? इंद्रियां दौड़ते नहीं बाहर, और एकांतवास में रहने पे, रहने से आपका मन आपको क्या करेगा? भागेगा भविष्य में या नहीं तो भूतकाल में। भूतकाल में भागकर आपको कुछ कुछ वस्तुओं का याद मन करा सकता है, तभी भी विक्षिप्त होता है मन। मगर एकांत काल में रहकर बैठना तो थोड़ी है हमको, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ जप करेंगे, कुछ ना कुछ साधन करेंगे, साधना करेंगे, कुछ ना कुछ अभ्यास करेंगे। तो मन को लगाया, एकांत में बैठा है अकेला और मन को लगाया, तब क्या होगा? हेतुर्भवति उपरमणे। कौन सा उपरमण? इंद्रियों का उपरमण में, संयमन में हेतु कारण बनता है। ठीक है, जरूरी है। और दमह माने इंद्रिय निग्रह है ना, इंद्रिय निग्रह दम का दूसरा नाम क्या है? इंद्रिय उपरमण का नाम दूसरा नाम दम। सो दमह चेतस संरोधे कारणम, दूसरा लाइन। दमह चेतस संरोधे, चेतस माने मन। इंद्रियों को निग्रह करने से मन क्या करेगा? दमह चेतस संरोधे कारणम। क्वाइटनिंग ऑफ द सेंस ऑर्गन्स लीड्स टू व्हाट? क्वाइटनिंग ऑफ द माइंड। जब इंद्रियां शांत रहती है, मन भी शांत हो जाता है। ठीक है। और शमेन विलयम व्यायात अहम वासना, तीसरा। शमेन विलयम व्यायात गच्छति, विलयम गच्छति, विलयम गच्छते लय हो जाता है। क्या है? शमेन, मन को शांत करने से अहम वासना विल बिकम डिजॉल्व्ड। अहम वृत्ति, अहम वासना, अहंकार का विलय हो जाता है। अहंकार का विलय माने मन में ही अहंकार और ममकार होता है ना, तो अहंकार ममकार शांत हो गया, नहीं उत्पन्न नहीं होते वे दोनों मन में, अहंकार और ममकार। देखिए क्या क्या है, अकेला शांति एकांत स्थिति हेतु है। किसका हेतु है? इंद्रिय उपरमण है, इंद्रिय उपरमण हेतु है। किसका? दमह चेतस संरोधे करणम, करणम माने कारणम। शमेन विलयम यायात अहं वासना। मन शांत है तो अहंकार मकार कम हो जाता है। तेन विद्दिस, जब अहंकार ममकार उठते नहीं दोनों मन में, तेन आनंद रसानुभूति ही अचला अचला ब्राह्मी सदा योगिनः। देखिए तेन आनंद रस अनुभूति ही, उसके साथ आनंद रस, मन जब शांत हो गया हो फिर आपको आनंद रस मिलता है। कैसा? अचला, अचला आनंद माने अखंड आनंद, अखंड आनंद का अनुभव। ब्राह्मी, ब्राह्मी माने ब्रह्मानंद, सदा योगिनः, योगी को
भवति कब सदा. तो सदा आनंदी भव आनंदो भव तस्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्यः. तो मुने है, मुनि को क्या करना चाहिए, चित्त निरोध करना चाहिए, चित्त निरोध में प्रयत्न करना चाहिए. प्रयत्नम, वन हैज टू पुट फोर्थ वन्स एफर्ट राइट्यूअसली राइटफुल्ली इन कंट्रोलिंग वन्स ओन माइंड. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस एक्सरसाइज, रिमेनिंग इन सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड लीड्स टू calmness of the sense organs, calmness of the sense organs leads to calmness of the mind, calmness of the mind leads to dissolution of ahankar and mamakara, sense of I-ness and minus, and that will, when sense of ahankar mamakara hat gaya, aapko kya milta hai, anand, anand hi anand hai, akhanda anand rasa anubhuti aapko milegi. To karna kya hai fir, hamara प्रयत्न कर क्या होना चाहिए, यही खतरनाक चीज है. इसको नियंत्रण में लाना है. मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो. मन ही संसार का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है. बहुत बढ़िया है. तो इसीलिए कहा गया, मन को किसी भी प्रकार से प्रयत्न करके उसको अपने वश में रखो, नियंत्रण करो. डोंट सप्रेस बट नियंत्रण में लाओ. मैंने एक उदाहरण दिया था ना, मन कंट्रोल्ड माइंड माने सुशिक्षित कुत्ता. एक उदाहरण दिया था भाई कई बार मैं आपको, मैं एक कुत्ता को लाया, पाला, उसको शिक्षा दिया, ग्रहण कराया, फिर बाद में कुत्ते को बिठाया बगल में और आप बिस्किट डालो कुत्ता नहीं खाएगा, आप मिठाई डालो नहीं खाता है, बिल्कुल वैराग विरक्त भाव से देखता रहता है, ज़्यादा छेड़ो भो भो करेगा, बस इतना ही, खाएगा नहीं, आप कुछ भी खिलाओ खाता नहीं. बगेटा कहाँ, मालिक के बगल में. अच्छा, उसको बांधा क्या, नहीं बांधा, कुत्ता बांधा नहीं गया, खुला छोड़ दिया, और न चिल्लाता है, न खाता है, न घूमता है, न फिरता है, मालिक के आदेश के बिना. कोई बंधन में नहीं रखा कुत्ते को, बांध के नहीं रखा, चेन नहीं डाला, शिक्षा दिया उनको और बिठाया. जब मैं कहूँगा कि हाँ उसको खाओ, तब वो खाएगा, नहीं तो बैठेगा. इसी तरह मन को यदि हम प्रेरणा दे अंदर से, तभी बहिर्मुखी हुए, नहीं तो मन अपना वश में है, दौड़ता नहीं, भागता नहीं, भूतकाल में नहीं भागेगा, भविष्य में नहीं भागता, वर्तमान में भी शांत रहता है. जब मैं आदेश दूं तभी मन का आविर्भाव होता है, नहीं तो मन है लुप्त रहता है, शांत रहता है, लुप्त रहता है, अपने आप में बैठा हुआ है. बस कुछ करना है तो मन को मैं आदेश दूंगा, एक काम करना है तो मन का आविर्भाव होता है, मन का प्राकट्य होगा, उस प्राकट्य के बाद मन अपना काम करेगा, काम के बाद फिर मेरे पास लौटेगा, डिजॉल्व हो जाएगा. हमारा मन कैसा है अभी, बैठे बैठे बाप रे,
बस अपने आप में बैठे, इसका एक अभ्यास मैं देता हूं। आप कुर्सी पर बैठे हो, क्लोज योर आईज, अभी नहीं, और जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। डोंट ब्रीद, श्वास अपने आप हो रहा है, हवा अंदर जा रहा है, अंदर बाहर आ रहा है, उस गति का वीक्षण करो। बस काम आया, काम करो, फिर बैठा, गति का वीक्षण, श्वास का वीक्षण, फिर काम आया, काम करो। मन को एक काम कर देना है ना, तो ये क्या है, जस्ट ऑब्जर्व द ब्रेथ। मन शांत हो जाएगा। कुछ कुछ को वहां बैठे रहते, ऐसे बैठे रहे, कर क्या रहे हैं, दे आर ऑब्जर्विंग देयर ब्रेथ। बस वीक्षण प्राणायाम। हां, कोई आया, घंटी बजी, उठो, बात करो, चला गया, फिर अपने बैठ गए शांत। आप करके देखो, सब लोग योगी बन जाएंगे अति शीघ्र। बट हमारा मन क्या छेड़ता है, शांति से बैठने नहीं देता। जी भर की दुनिया भर की चिंता, बाप रे। देयरफॉर करना क्या है मुनि को, प्रयत्नात्, प्रयत्न करो, प्रयत्न करके मन को अपने वश में लाओ। वाचम नियच्छात्मनि तन्नियच्छ, बुद्धौ धियं यच्च च बुद्धिसाक्षिणी। तञ्चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे, विलाप्य शान्तिं परमां भजस्व। वाचं नियच्चात्मनि तन्नियच्च, बुद्धौ धियं यच्च च बुद्धिसाक्षिणी। तञ्चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे, विलाप्य शान्तिं परमां भजस्व। देखिए, पिछले श्लोक में क्या बताया गया, किसी भी हालत में मुनि को क्या करना चाहिए, मुनि माने आध्यात्मिक साधक को करना क्या चाहिए, अपने मन को अपने वश में रखने का प्रयास करो, प्रयत्न पूर्वक अपने मन को अपने वश में रखो। ठीक है, ये तो बता दिया। अब कहते हैं वाचम नियच्छ आत्मनि, सबसे पहले वांग में मन से प्रतिष्ठिता, मनो में वाच प्रतिष्ठितम, मा विरावीर्म ये धी, ऑल दोस मंत्र आर देयर इन उपनिषदों में। क्या कहा गया, वाचम नियच्छति, नियच्छ आत्मनि। सबसे पहले वाचम, वाणी को, आत्मनि माने मन में लीन कर लो, इंपॉर्टेंट थिंग। माने वाचम स्पीच इनटू माइंड माने क्या है, ऑब्जर्व साइलेंस, इसका मतलब यही है।
वाणी को मन में लीन करो, लय कर लो, मन में स्थापित करो. इसका मतलब क्या है? वाक मौनम, वाक मौनम का अभ्यास करना है. डोंट टॉक अननेसेसरीली, डोंट बी अ चैटर बॉक्स. ब्ला 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 ब्ला. और एकांतवास में रहोगे ना, बकवास करने के लिए कोई मिलेगा नहीं आपको. और कुछ कुछ समय, कुछ समय तक आपको यदि आदत हो गया हो किसी के साथ हमेशा रहने का, फिर एकांतवास का अभ्यास करने लगोगे तब आपको अपने आप में बात करने लग जाते हैं. आदत हो गया ना बात करने का, बक बक करने का, तो आप अपने आप बात करते रहोगे. आप देखा कई लोगों को अपने आप में रनिंग कमेंट्री चलाते रहते हैं, मन में बोलते रहते हैं अब मैं इधर जाना है, उधर करना है, कपड़ा धोना है, दूध गर्म करना है, चाय बनानी है, अपने आप को ये करनी है, बक 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 बक. लेकिन मोटर तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं? वाचम नियच्छ आत्मनि. माने फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्व मौनम, साइलेंस. यू विल सेव ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. मैं क्या कहूं, आप प्रैक्टिस करके देखोगे. वो सन्यासी लोगों के लिए कोई आई होता ही नहीं बात करने के लिए, वैसे हमेशा बात साइलेंट रहते हैं लोग, मजा में रहते हैं. आवश्यक कम हो पड़ता है ना बात करने का, बात करने की आवश्यकता कम है. तो मौन का अभ्यास करो. वाचम नियच्छ आत्मनि. तम माने मन को, आत्मनि माने मन हो गया. मन में वाणी को स्थापित करो, लय करो, लीन करो. ठीक है, अच्छा. और तम उस मन को नियच्छ बुद्धौ, बुद्धि में. अब मन को बुद्धि में स्थापित करना का मतलब क्या है? मन का स्वभाव क्या है? संकल्पात्मक और विकल्पात्मकम मन, है ना, संकल्प और विकल्प. ये मन में हमेशा उगता रहता है. नेक नेक एक संकल्प उगलेगा, फिर विकल्प उगलेगा, उसका संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प माने करना है, फिर उसी को काट देते हैं दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार आएगा करना है, चौथा विचार आएगा नहीं करना है, तो वैसा करना है, ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा कर लो तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, ऐसा. तो दिस काइंड ऑफ ए थिंग्स हैपन ना मन में. ये संकल्प विकल्पात्मकम मन एक निर्णय पर पहुँचता नहीं. तो इस मन को, इस रूपी मन को, संकल्पात्मकम विकल्पात्मकम मन को, तम मन को, तम माने मन को नियच्छ. किसमें नियच्छ? बुद्धि में. इसका मतलब क्या है? बुद्धि का मतलब क्या है? निश्चयात्मक. एक निश्चय पर पहुंच जाता है ना बुद्धि, माने इस संकल्प विकल्प विकल्पों को कन्विक्शन. बुद्धि में क्या होता है? कन्विक्शन होता है. आप एक निश्चय पर पहुंच गए, सिद्धांत का निश्चय, निर्णय का निश्चय. तो एक निश्चय पर पहुंचना बुद्धि में से संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन को बुद्धि में स्थापित किया, माने वाणी को मन में, मन को बुद्धि में लय कर दिया, माने बुद्धि में एक ही वृत्ति जगती है. क्या है? कन्विक्शन. ठीक है, कैसा है कन्विक्शन? जो भी है, जो वृत्ति आपको पकड़ा, कन्विक्शन, सब कुछ प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है. फिर मेरा संकल्प विकल्प के लेकर के क्या करना है? तो इस वृत्ति में
संकल्पात्मकम विकल्पात्मकम मन को लीन कर दिया. द मोमेंट यू इन्वोक दिस थॉट, सब कुछ प्रभु की प्रेरणा से ही हो रहा है, तब फिर आपका मन में संकल्प और विकल्प सब शांत हो गया कि नहीं? आप एक निश्चय पर पहुंच गया, आप कन्विंस हो गया. जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, ये आपका विचार है. इस निश्चय पर पहुंच गए. एक निश्चय पर पहुंचने के बाद मन में विक्षेप नहीं होता. तो पहले सर्वप्रथम वाणी को मन में, माने वाणी को मन में, माने वाणी के द्वारा जो जो बकना हमका आदत हो गया है, बकवास करना, बकना, वो बकना बंद करो, शांत हो जाओ. फिर मन की मानसिक स्थिति कैसी है, संकल्प और विकल्प, इन दोनों को शांत करना है. कैसे करना है? मन को बुद्धि में विलय कर लो, लीन करो. बुद्धि में माने एक निश्चय पर पहुंच गया. और बुद्धि को साक्षिणी, और उस बुद्धि में, बुद्धि को लेकर के रिजॉल्व बुद्धि इंटू बुद्धि साक्षी. बुद्धि साक्षी कौन है? आत्म चैतन्य. और मेरे बिना बुद्धि नहीं रहेगी, तो इसका भी साक्षी कौन हो, कौन है? मैं हूं. तो मुझ में लीन हो गया. बुद्धि को बुद्धि साक्षी में, आत्म चैतन्य में विलीन करो. आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं. पहले शांत हो जाओ वाणी के रूप में, वाणी में, वाणी वाणी को उपराम दो. फिर बाद में मन के ओर दृष्टि डालो, तो मन में संकल्प विकल्प विक्षेप हो रहा है, अनेक प्रकार के चिंताएं, ये सारी चिंताओं को समेट कर बुद्धि में डाल दो. किस विचार में डालनी है? बस ये मन तो खेल है, आकर में प्रभु की इच्छा से होता है सब कुछ. सो बुद्धि में, बुद्धि में एक कन्विक्शन में, जो भी कन्विक्शन है आपकी, कन्विक्शन उसमें ये सारा. फॉर एग्जांपल, जब तक आप निर्णय नहीं लेते हैं किसी विषय में, तब तक आपका मन आपको सताता है. निर्णय लेने के बाद शांत हो जाता है. चलो अभी कहीं जाना है, जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, कब तक चलेगा? जब तक आप एक निर्णय नहीं लेते. आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सबसे पूछ रहे, मम्मी मैं जाऊं न जाऊं, पापा मैं जाऊं न जाऊं, आखिर में कोई आके डांटता है, जाना है तो जाओ, मत जाना तो मत जाओ, सबका दिमाग मत खाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, तुमको क्या करना है? वही तो ना, वही तो मैं निर्णय ले नहीं पा रहा हूं, जाऊं या ना जाऊं. निर्णय ले लिया कि नहीं जाना है, मन में विक्षेप खत्म हो गया कि नहीं? समझ में आ गया बात आपको? कभी कभी आपको घर में कोई आ गया है शाम को 6 बजे, फिर आपके मन में दुविधा होती है कि नहीं होता है, किस विषय में? सत्संग जाऊं न जाऊं, टॉक में जाऊं न जाऊं, टॉक में जाऊं न जाऊं, विक्षेप पैदा करता है. एक निर्णय ले लो, चलो ठीक है छोड़ देंगे, फिर आधा घंटे के बाद वो जाने के बाद लगता है कि क्यों छोड़ा, गिल्ट फीलिंग आता है. सो बुद्धि में निर्णय सही निर्णय नहीं लिया, इसलिए ऐसा विचार बाद में होता है. तो बुद्धि में इस मन को विलय कर लो, बुद्धि को बुद्धि साक्षिणी, तम चापी आत्मचे वृष्टि आत्मचैतन्य को भी, माने त्वम पद
लक्ष्यार्थ, त्वंपद लक्ष्यार्थ क्या है? आत्मचैतन्य। तत्पद लक्ष्यार्थ क्या है? पूर्णात्मा, ईश्वर, सर्वात्मा। हमने देखा है ना ये सब त्वंपद तत्पद लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ नहीं लक्ष्यार्थ। त्वम, त्वम माने किसको सूचित करता है ये त्वम पदम? जीव चैतन्य को, शुद्ध चैतन्य को। तत्पद का, तत्पद किसको सूचित करता है? तत् चैतन्य को। सो चैतन्य चैतन्य में क्यों फर्क है क्या? नहीं है। मगर आत्म बुद्धि साक्षिणी कौन है यहाँ पे? त्वम पद लक्ष्यार्थ। त्वम पद लक्ष्यार्थ को पूर्णात्मनि, पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य, निर्विकल्पक रूपम पूर्णात्मा परब्रह्म में, पूर्णात्मा में माने तत्पद लक्ष्यार्थ में त्वम पद लक्ष्यार्थ चैतन्य को विलीन कर लो। विलीन करना माने क्या है? दो टुकड़ा है क्या विलीन करने के लिए वहां पे? नहीं। फिर एकात्म भाव का चिंतन, एकात्म भाव का चिंतन, उसमें दृढ़ विश्वास को ही हम कहते हैं बुद्धि साक्षिणी पूर्णात्मा में विलीन हो गया। बुद्धि साक्षी आत्म चैतन्य, विष्टि चैतन्य, समष्टि चैतन्य में विलीन हो गया। विलीन हो गया माने विष्टि और समष्टि के बीच में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। इस निश्चय पर पहुंचना, इस निश्चय को स्वीकार करना विलय हुआ। बस तत्त्वमसि, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मने। सो तम चापि पूर्णात्मनि, पूर्णात्मा क्या है? निर्विकल्पे विलाप्य, हैविंग मर्ज्ड योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इन टोटल कॉन्शियसनेस by discovering the identity between them which has already been existing, there's nothing new created. So having discovered the identity between the individual soul and the total soul, kya hoga? Shantim paramam bhajasva, param shanti ka भजस्व प्राप्त करो, भज सेवायाम। देखिए इसलिए कठोपनिषद में मंत्र आया ना, यच्चेन वांग मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेद् ज्ञानमात्मनि, ज्ञानात्मनि महति नियच्छेद् तद्यच्छेद् शांत आत्मनि। क्या है? यच्छेत वाक मनसी प्राज्ञः, प्राज्ञ माने वाइज मैन। क्या करना चाहिए? वाक मनसी में यच्छेत नियच्छेत, यही श्लोक है उठाया। तद यच्छेत ज्ञानमात्मने, उस मन को लेकर के ज्ञान में बुद्धि, ज्ञानात्मने महति नियच्छेत महत्त्व में, तद यच्छेत शांत आत्मने, देखो पूर्णात्मा में शांत आत्मनि में नियच्छित कर लो माने विलय विलीन करो। दिस इज अ ब्यूटिफुल श्लोका फॉर कंटेम्पलेशन। अगला श्लोक में पूरा पहले लाइन में साथ में पढ़ता हूं एक ही साथ। देह प्राणेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादिभिरुपाधिभिः, यैर्यैर्वृत्तैः समायोगः, तत्तद्भावोऽस्य योगिनः। देह प्राणेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादिभिरुपाधिभिः, यैर्यैर्वृत्तैः समायोगः, तत्तद्भावोऽस्य योगिनः।
पहले लाइन में ब्रेक करना मुश्किल है. देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धियादिभिः उपाधिभिः यैर्यैर्वृत्तैः समायोगः तत्तद्भावः अस्य योगिनः. यैर्यैर्वृत्तैः समायोगः, देखिए आपका एक वृत्ति है थॉट. आपकी जो वृत्ति जिस उपाधि के साथ तादात्म्य हो जाता है आप वही बनता है. देह के साथ तादात्म करने से आप देह बन गए, तो फिर देह बनने के बाद आपका सोच व्यवहार का आधार, सबका आधार क्या बनता है? देह ही बनता है. देह से ऊपर नहीं उठेंगे. हम मैं माने कौन? देह. फिर देह की चिंता, बुढ़ापे की चिंता, फिर भूख प्यास, फिर ममता मोह ममकार इत्यादि अनेक प्रकार के संकटों से घिरे हुए रहते हैं आदमी. क्यों? मैं शरीर हूं. मन एक वृत्ति यैर यैर वृत्ति ही, जो वृत्ति आप जिस जिस से यही यही ही यही है, मैंने जिस जिससे वृत्ति का समायोग, समायोग माने तादात्म्य हो जाता है समायोग, तत्तद् भावश्च योगिनः, वही भाव बन जाता है. सो देह के साथ तादात्म्य करने से हम देही बनकर घूमते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, व्यवहार करते हैं. और प्राण के साथ तादात्म्य करने से मैं स्वस्थ हूँ, ठीक नहीं हूँ, मैं अभी मेरे स्वास्थ्य ठीक है, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझ में एनर्जी कम है, मैं शक्तिशाली नहीं हूँ अभी इस वक्त, तो आप वो बन जाएगा. और इंद्रिय से आप तादात्म्य होने से आप विषयी बनोगे. इंद्रियों में स्थित होने के कारण आपका मन इतना चंचल हो जाता है कि हमेशा इंद्रियों की तृप्ति करने में ही आपका एजेंडा बन गया जीवन का. और कोई सुबह से शाम को आप दर्द तो देखो क्या करते रहोगे? बस इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही जीवन का व्यवहार. इस एक एक इंद्रिया मांगता रहता है, उस इंद्रियों को तृप्ति कैसे करावे? जीभ मांगेगा पान मसाला, या नहीं तो गुलाब जामुन स्वीट नमकीन खाने का, तो हमेशा जीभ आधा बाहर ही निकला हुआ होता है. और कान म्यूजिक सुनना चाहते हैं, आंखें देखना चाहते हैं, तो माने ऑल द सेंस ऑर्गन्स आर कॉन्स्टेंटली रोस्टेड सिंक्ड संक इन सेंस ऑब्जेक्ट्स. आप थोड़ा पार हो गए इसलिए बच गए कई लोग आप में से, ना तो दुनिया की ओर देखो बेचारे कितने संकट में पड़े हुए होते हैं, डिस्टर्ब लगते हैं. देखो खाना स्वादिष्ट बनाने का प्रयास देखो कुछ लोगों का, कितना समय उन्हें व्यतीत करते हैं. ठीक है यार, बस और नमक है थोड़ा मिर्च, और क्या चाहिए? नहीं, उसमें थोड़ा ये है क्या, सॉस है क्या? हाँ सॉस है. अच्छा ये चिल्ली सॉस है क्या? चिल्ली सॉस भी डालो थोड़ा. तो नमकीन है क्या? नमकीन भी थोड़ा ऊपर डालो. और नींबू है? नींबू भी डालो. नहीं, इसको स्वादिष्ट बनाने का प्रयास लोगों का देखो, आधा घंटा युद्ध करता रहेगा इसको कैसे स्वादिष्ट बनाए. देखा कि नहीं ऐसे लोगों को? तृप्ति नहीं मिलती, दूसरे का खाना भी हो गया, ये सोच रहा है इसको कैसे स्वादिष्ट बनाए. घी है क्या? घी, गरम गरम घी. बटर है? बटर, अमूल बटर, ये भी थोड़ा लगाओ चाटेंगे साथ, तब मजा आएगा.
सो आत्मिक चिंतन देखो सोच. सो पूरा व्यवहार इंद्रियों की तृप्ति करने में ही लग गए हैं. किसका? एक व्यक्ति का. क्यों? इंद्रियों के साथ तादात्म्य होने, देह प्राण इंद्रिय मन के साथ तादात्म्य होने के होने से क्या क्या होता है? ममकार, अहंकार, इमोशनल बीइंग. मुझे, मैं उनका घर गया, मुझे पूछा नहीं, मैं उनका घर गया, वो भी मुझे पिलाया नहीं, मैं उससे बात नहीं किया, वो मुझसे हाय हाय नहीं, हरे हाय राम राम नहीं कहा, मुझसे ये प्यार नहीं किया, मेरे और नहीं देखा, ऑल दोज नॉनसेंस थिंग्स यू नो. मैं शादी में गया, मैं कुछ, मेरे कोई पूछा नहीं मुझे, वो तो देख कर भी चले गई. नॉनसेंस व्यवहार. यू कैनॉट बी हैप्पी देयर. व्हाई? यू आर आइडेंटिफाइड विथ माइंड. दुखी 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 दुखी. एंड ओल्ड पीपल, आई एम सीइंग ए केस नाउ, ए केस पर नोएडा ओनली. Old lady, son doesn't want her because she suffers bad tongue. Daughter says, I cannot manage her because of her bad tongue. Daughter is far away from other country. She can't come and spend time with her. And she shouts on every servant. And wild, violent behavior. So, I told her daughter that this is a big lesson for you, that you should not be like this in your old age. Ego. Just shut up and keep quiet. Can't you keep quiet, older people? No. No. What else people can do for you? And you have no guts. You can't stay alone. They kicked her out. You stay in your house. Go. Why? मन के साथ इतना तादात्म्य और सुखी दुखी होते रहो, दुखी ज्यादा भोगते रहो और सब लोग दुश्मन बन गए. What kind of life it is? अब बताओ बेचारे कहाँ से आती है? अमेरिका से आई. सो शी इज नॉट लेटिंग हर गो बैक. एंड उनकी इतना अहंकार है कि रहो भी नहीं बोलेगी, जाओ भी नहीं बोलती है, काम में बैठती हूँ. दिस फ्रस्ट्रेटेड सोल्स ऑन अर्थ, दैट्स अनदर वे ऑफ टॉर्चरिंग पीपल. जवाब तो दो. नहीं, तुम सोचो. तुम तो, मैं क्या सोचो? वो भी नहीं बोलती है. द वे यू टॉर्चर अदर पीपल इज बाय योर साइलेंस ऑल्सो. आप में से कोई ऐसे गुण वाले हो तो बदल दो. बदल जाओ. जवाब तो दो. तड़प रहे बेचारे सभी लोग. भाई मन के साथ तादात्म्य के कारण सुख दुख का व्यवहार, अहंकार ममकार वह ही बन गया. मैं प्रैक्टिकल एग्जाम इसलिए दे रहा हूँ कि तभी पता लगता है इष्ट शास्त्र का मतलब क्या है. और बुद्धि आदि भी, बुद्धि के साथ
तादात्म्य होने के कारण और एक चिंता, बुद्धि में क्या चिंता है, मैं समझना चाहती हूँ समझ में नहीं आता है, सोचना चाहती हूँ सोच नहीं पाती हूँ, जानना चाहती हूँ जान नहीं पाती हूँ, मेरा सारा जीवन खत्म हो गया, ज्ञान मिला नहीं, बहुत कुछ करना था नहीं किया, बचपन में मिल गया होता स्वामी जी आप हमको तो कुछ पढ़ा लेते हैं आपसे, अब बुढ़ापा में आपको मिला, मिला हमको आप मिला हमको क्या फायदा है अभी इस समय, ये चिंता। बुद्धि आत्मा के बारे में तो सुन लिया, तो स्वामी जी बहुत सुन लिया हूँ, मैं समझ में नहीं आता है, सुनने के बाद लगता है कि आत्मा करके कोई चीज़ है क्या, ऐसे हमें तो पता नहीं लगता है, क्योंकि शरीर के बिना मैं और कौन हो सकता है। आत्मा समझ में आ गए स्वामी जी, मगर मोह ममता दूर नहीं होता। बुद्धि में अनेक प्रकार के विक्षेप प्रॉब्लम्स, आदि भी उपाधि भी यैर्यैर वृत्तैः समायोगः तत्तद् भावः अस्य योगिनः। जिस जिस भाव के साथ आप तादात्म्य होकर, जिस जिस उपाधि से अपना संबंध बना के रखता है, आप वही बन जाता है। और सबसे बड़ा बुद्धि में क्या पता है, और एक विचार होता है कि मैं इतना पढ़ा हूँ लिखा हूँ, लोग नहीं जानते हैं, लोग समझते नहीं मेरे बारे में, मैं कितना पढ़ चुका हूँ, ये बड़े बड़े बार बार ये दोबारा मैं बार बार बताते आया हूँ कि ऐसे चिंता भी ये जरूर नहीं है, गलत है विचार, ऐसा विचार मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया बहुत कुछ सुन लिया, व्हाट डू यू नो अबाउट माई नॉलेज, हाउ मच आई बीन गेनिंग इन नॉलेज यू नो दैट, अनदर चिंता। क्या चिंता है, आप रामायण पढ़ा है लोग नहीं जानते, इसलिए आपकी चिंता हो रही है आपको कि लोग नहीं जान रहे हैं कि मैं रामायण पढ़ा हूं। मैं गीता पढ़ लिया हूं लोग नहीं जानते हैं, पतिदेव नहीं जानते, पत्नी भी नहीं जानती है, बच्चे भी नहीं जानते मेरे बारे में, ये और एक चिंता है। वाई शुड दे नो, बी हैप्पी नो विद देम, आपने सुन लिया घर गया, घर जाने के बाद व्यवहार के व्यवहार बात करते लोग घर वाले, भैया ये आया फोन कॉल आया आपका, उन्होंने आके मिल के चला गया, अब क्या खाओगे, रोटी खाओगे, घी डालूं, अभी अभी सुन के आया हूँ मैं ये सब छोड़ना है, और आप गुस्सा करते हैं क्या करते हैं, ए बेकारी बात पूछे मत मेरे से, जो है खिला दो, अभी अभी सुन के आया हूँ मैं। तो आप क्या सुने हम क्या जाने, हमको कैसे पता लगता है कि आपको क्या, हम प्यार से पूछ रहे हैं कि घी लगाए ना लगाए बताओ, अब जवाब देना पड़ेगा। तो आप व्यवहार सरल व्यवहार करो घर पर, नहीं हमको नहीं आता है, ये बुद्धि में रोग है, सरल व्यवहार नहीं आता है। बिग प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है, नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सब हो रहा है। हाँ भाई और क्या है, सो बुद्धि में तादाद, इसलिए योगिनः, ये योगिन शब्द दूसरा श्लोक से भी कनेक्ट करना चाहिए, तन्निवृत्तया मुने सम्यक सर्वो परमणं सुखं संदृश्यते सदानंद
रसानुभव विप्लवः तन्निवृत्त्या मुने सम्यक् सर्वो परमणं सुखं संदृश्यते सदानंद रसानु तन्निवृत्त्या योगिनः तन्निवृत्त्या मुनेः सम्यक् सर्वोपरमणं सुखम्। क्या करना चाहिए? तन्निवृत्त्या, कौन क्या निवृत्ति से? तादात्म्य निवृत्ति से। डोंट गेट आइडेंटिफाइड विथ द बॉडी, समटाइम माइंड, समटाइम प्राण, समटाइम इंटेलेक्ट, whatever equipment or upadhi you are identified with, all the problems associated with upadhi becomes yours. जैसे किसी लोगों का चमड़े के साथ तादात्म्य ज्यादा है, चमड़े के साथ चर्म सौंदर्य, उस चर्म सौंदर्य के जो कीड़े आपके अंदर घुस गया हो, फिर आपको न जाने क्या क्या करना पड़ता है कि तरह तरह के क्रीम लगाते हैं, बार बार कॉस्मेटिक क्लिनिक में चले जाते हैं, हजारों हजार रुपया खर्च करते हैं, और ये हमेशा ध्यान चमड़े के ऊपर ही होता है, और गर्मी में छाता लेके घूमते हैं, ठंड में भी ज़्यादा घूमता लेके घूमते हैं, बारिश होता है या कोई भी है, मगर चर्म की और आपकी दृष्टि पड़ने से हमेशा आपका व्यवहार, बोलचाल सब कुछ बदल जाता है कि नहीं बदलता, बताओ? कपड़े भी चुन चुन के खरीदते हैं, और समर क्रीम, सनस्क्रीम, दैट क्रीम, दिस क्रीम, क्यों भाई? चमड़े के साथ मेरा तादात्म्य है, मैं सुंदर दिखना है। अब लिप टिप लगाना, इधर लगाना, उधर पेंट लगाना, किधर किधर ना जाने पता नहीं क्या क्या करते हैं। श्रृंगार शास्त्र, उस पक्ष अति श्रृंगारम, श्रृंगार माने डेकोरेटिंग, एक चमड़े के साथ, बाल के साथ तादात्म्य हो गया हो, आपका व्यवहार बदलता कि नहीं? रोज हमेशा बाल पर ही ध्यान। अब विग पहनते हैं कुछ लोग, हमेशा हाथ ऐसा करते रहते हैं, दबाते रहते हैं विग को, पता नहीं कब गिरेगा, ध्यान हमेशा उधर ही है, विग के ऊपर ही है। अब नीचे झुक नहीं सकता, सिर ऐसा नीचे गिर गया तो पिछार, उनके व्यवहार देखिए कैसे तड़पते हैं, हमेशा ध्यान विग के ऊपर ही है। मैं देखा कई लोगों को हमेशा दबाते रहते, ज्यादा दबा रहे माने विग है, वो बाल नहीं है, बार 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 बार। वाई दिस टेंशन? आई कैन गो ऑन लाइक दिस, बट आई डोंट वॉन्ट टू गिव फर्दर वर्स्ट एग्जाम्पल्स इन सोसाइटी। वर्स्ट एग्जाम्पल्स आर देयर, बोथ फॉर मैन एंड वुमेन। अब माइक के सामने बोलना ठीक नहीं है, पूरा ध्यान वहीं गया। Why we behave like this? मूर्खता। इसीलिए तादात्म्य निवृत्ति से मुने है सम्यक, सम्यक भली प्रकार से निवृत्ति होकर सर्वोपरमणम सुखम, समस्त तादात्म्यों से उपरमण ही सुख है, सर्वे उपरमणम सुखम। देखिए, सारे वस्तुओं से, सारे तादात्म्यों से, सांसारिक वस्तुओं से उपरमण हुआ, वही सुख है आपका। आराम ही आराम जीवन में। मैं एक बार, एक स्वामी योगानंद जी थे, गुरुदेव के गुरु भाई, मैं और एक दूसरे ब्रह्मचारी जी, बहुत साल पहले, वे रहते कहीं पहाड़ के ऊपर,
वहाँ पे हमने देखा है, कमरा कटकटाया उनका, वो छोटा सा कमरा था। तो जैसे हमने खोला, वो जिस बंड पर बैठते, सीमेंट का बंड, अंदर थोड़ा सा जान के लिए बना के रखा है, उसमें बैठ के कुछ खाना ज़मीन पर, वो सीमेंट बंड के ऊपर परोस के खाना खा रहे थे। हम सोंगे, क्या खा रहे स्वामी? प्लेट प्लेट क्या नहीं है, प्लेट नहीं मिला तो जो है खाना, एक रोटी खाना है, रुचि रख दिया, सब्जी उसमें डाला, प्लेट कुछ नहीं था वहाँ पे, ज़मीन हाथ से साफ कर दिया, खाना खाने लग गए। और एक अवधूत थे रिसेंटली अटेंड समाधि, वो मिट्टी खाते थे, मिट्टी। तो उस गांव में घर घर के सामने मिट्टी के डेरे दिखते हैं, डेरा। क्यों? किस महात्मा, वो महात्मा जी किस घर का मिट्टी खाता है पता नहीं, जिस घर का मिट्टी खाता है वो घर वाले भाग्यवान हो गए। अवधूत थे, अवधूत, बड़े अवधूत थे। रिसेंटली अटेंड समाधि। तो महात्मा लोग ऐसे रहते हैं अपने आत्मा में, अनुभव आराम से। हम इस शरीर को लेकर के इतने सतत परेशान में हैं, एक दिन गिरने वाला है, एक दिन गिरने वाला है, इसको लेकर के क्या चक्कर में पड़ गए। और भगवान शंकराचार्य बता चुके हैं ना विवेकचुडामणि में, क्या मल मूत्र पुरीष, शरीर का क्या है, मल मूत्र पुरीष सप्त धातुओं से बना है, बस सिर्फ चमड़े से दग गए तो सुंदर दिखता है। आलू के छिलके निकालते हैं ना, वैसा चमड़ा निकाल के देखो, पर क्या सुंदरता है इसमें, बदबू मारता है, बदबू। इस शरीर को लेकर के हमारा तादात्म्य, बेवकूफ है कि नहीं? बस तादा, इसे तन निवृत्तिया, इससे निवृत्त हो गए, सर्व सम्यक उपरमणम सुखम संदृश्यते, दिखता है, प्राप्त हो जाता है, सदानंद रसानुभव विप्लव। मैंने तादात्म्य से निवृत्त हो गया हो, शरीर से, प्राण से, मन से, बुद्धि से इत्यादि सभी उपाधियों से, कहा गया विप्लव माने बाढ़, आनंद सागर का, आनंद का बाढ़ लग जाएगा। देखिए, आनंद रस, रसानुभव, आनंद रस अनुभव विप्लव, विप्लव माने फ्लड, यू फ्लडेड बाय डिवाइन ग्रेस एंड आनंद, ब्लिस ऑफ डिवाइन ब्लिस, फ्लडेड। ठीक है, देयरफॉर तादात्म्य को छोड़ना चाहिए। नव भगवान शंकराचार्य जी वैराग्य निरूपण करते हैं, वैराग्य को याद दिलाते हैं। कुछ श्लोक है अभी, 6 श्लोका सर दे, इन 6 श्लोकों में वैराग्य के बारे में बताते हैं। वैराग्य, वैराग्य माने विरक्त भाव, वैराग्य माने राग और द्वेष से निवृत्त होना। न राग है न द्वेष है, वह पुरुष न रागी है न द्वेषी है। जिसको कुछ नहीं चाहिए होता जीवन में, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, पूर्ण वैरागी। ठीक है, अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो, अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो, विरक्तस्यैव युज्यते, चेज्यत्यन्तर्बहिस्संगम्, विरक्तस्तु मुमुक्षया। अंतस्त्यागो, अंतस्त्यागो,
विरक्त पुरुष को अंतस्त्याग बहिस्त्याग। अभी अंतत्याग क्या है, बहिस्त्याग क्या है, बाद में बताएंगे। कहते हैं अंत माने अंदर, अंदर क्या है, अहंकार ममकार इन सब के प्रति विरक्त भाव, अहंकार के प्रति भी विरक्त भाव। क्योंकि नो सुनिए, जो ईमानदारी आदमी है, जो एकदम ईमानदारी आदमी है, जो काम उन्होंने नहीं किया, किसी ने आकर उनको तारीफ करने लगे कि आपने किया है ये काम, ये एकदम ईमानदारी व्यक्ति क्या करता है, मानता है क्या, इनकार कर देता है, इनकार करता है कि नहीं, भाई मैं तो नहीं किया हूं, माला पहनाने आया, मुझे नहीं चाहिए, तारीफ करने लगे आया हूं, नहीं भैया मैं तो नहीं किया हूं, नहीं नहीं आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप ही तो किया है, नहीं किया भैया मैं तो नहीं किया हूं, और किसी ने किया होगा, मैं तो नहीं किया हूं, आपको गलत फहमी हो रही है, मैं तो नहीं किया हूं। क्यों, एकदम ईमानदारी व्यक्ति इनकार कर देता है कि नहीं करता है, इनकार कर देता है। इसी तरह योगी वे जानते हैं कि मैं कुछ किया नहीं, वो अहंकार को भी त्याग दिया, क्योंकि सब करने वाला प्रभु ही है, तो अहंकार के प्रति भी विरक्त भाव। उनको बोझ ऐसा लगता है कि किसी ने कहा कि आपने किया, नहीं तो ना किया नहीं मैं, हमको क्या है, हमने जो काम नहीं किया है, कोई आके कहते हैं आपने किया है, एक क्षण के लिए हम फूल जाते हैं, थैंक यू, एक क्षण के लिए। और बेईमानी व्यक्ति है तो मान लेता है क्या मैंने किया है, हाउ कैन यू एक्सेप्ट समथिंग विच इज नॉट यूअर्स। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मूढ़ात्मा जो है अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति, वे कहते हैं कर्ता मैं करता हूँ, मैं ही किया हूँ, करने वाला कौन, मैं ही किया। वास्तव में कौन करता है, प्रकृति, प्रकृति माने वासना है। आप यहां पे सत्संग में क्यों आए हैं, वासना। यदि आपके अंदर से जो वासना मैं हटा देता हूं, आप कल कोई नहीं आएगा इधर, मुझ में ये वासना हट गया मैं भी नहीं आऊंगा बोलने के लिए, तो आप इसलिए किस लिए आए हैं, वासना। मैं यहां पर किस लिए बैठा हूं, वासना, सुप्रकृति। तो वासना के प्रभाव में, दबाव में पड़कर ही व्यक्ति जैसा जो है वैसा ही है, किस लिए, कारण क्या है, वासना। तो योगी अंतत्याग अहंकार को इत्यादि, अहंकार ममकार इत्यादि भावनाओं को त्याग दिया। बहित्याग, बहित्याग बाहरी विषय त्याग, अंदर में अहंकार का त्याग कर लिया, बाहर में विषयों को त्याग दिया। विरक्तस्यैव युज्यते, ये विरक्त पुरुष का सदा ये भाव रहता है, इस भाव से युज्यते। देखिए युज्यते माने विरक्त, वैराग्य, विरक्त पुरुष को ही ये संभव है। क्या संभव है, अंतत्याग बहित्याग। Not identified with ego inside, not identified with any of the sense organs in the outer world. Virakta bhav. Antastyago bahistyago viraktasyeva yujyate. Chajati antar bahissangam viraktastu mumukshaya.
मुमुक्षुया मोक्ष की इच्छा से वो वैराग्यवान क्या करता है, अंतः बहि संगम, संगम माने अटैचमेंट, वो डरता है। देखिए आध्यात्मिक सीकर इज वेरी अफ्रेड ऑफ अटैचमेंट, वो सावधान रहता है। किसी वस्तु के साथ संग हो जाता है क्या, हमेशा मन पर एक निशा रखकर, ध्यान लगाकर व्यवहार करता है कि किसी वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, जगह के साथ मेरा क्या कोई प्रेम हो रहा है क्या, संग हो रहा है क्या। जड़ा भरत, हिरण के साथ संग हो गया तो अगले जन्म में डर डर से जी रहा था वो, एकदम डर से, बात भी नहीं करता था किसी से। क्यों बात नहीं करता, पता नहीं क्या 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 संग भंग पड़ जाता हूं, बात करने से पता नहीं किससे क्या प्यार हो जाता है। ओके, तो इसीलिए चजति अंतः बहिस्संगम, कौन चजति, विरक्तस्तु, विरक्त पुरुष अंतसंग को बहिसंग को त्याग देता है। क्योंकि वैराग्य के बिना, वैराग्य के बारे बताएंगे अभी, वैराग्य के बिना अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अच्छा मैं आपको बताता हूँ एक इक्वेशन, जितना वैराग्य आपके अंदर है उतना आप सुख भोगता है, सुख भोगता है। जितना कम वैराग्य उतना दुख ज्यादा है। मोर यू आर डिटैच्ड मोर यू आर हैप्पी। सो इक्वेशन क्या है, हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिटैचमेंट। हंड्रेड परसेंट डिटैचमेंट, 100% हैप्पीनेस। तो याद रखना फॉर्मूला, हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिटैचमेंट। तो मोक्ष पुरुष क्या करेगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या करता है, संगी भाव, संग भाव, संगी भाव को त्याग देता है। ये संग भाव दुख है बाबा, दुख है। कैसा सुख, मैं सुखी था बिना घर, घर बनाया ज्यादा दुखी हो गया। क्यों, ए स्क्रैच ऑन द वॉल इज इक्वल टू स्क्रैच ऑन द हार्ट। घर की चिंता, मेंटेनेंस की चिंता, संभालने की चिंता, बाप रे, हाउस लीकिंग की चिंता, पेंटिंग कराने की चिंता, जंक लग गया तो चिंता, एक घर लेकर के बापा कितना प्रॉब्लम होता है। कारपेंटर को बुलाओ, प्लम्बर को बुलाओ, करंट को बुलाओ, इसको के ठीक करो, ड्रेनेज ब्लॉक हो गया उसका साफ सफाई करो। एक घर, एक गाड़ी लिया, क्या क्या चिंता होता है देखो। एक्चुअली वन हु इज एब्सोल्युटली डिटैच्ड इज रियली हैप्पी। जनक राजा थे मगर असंगी थे। इतना देखो वो राजपुरा वो जल रहा है, महल पूरा वो देखने लगे,
अच्छा भवन जल रहा है, देख रहे थे से। इसीलिए इन लाइफ में इफ यू वांट टू बी हैप्पी डेवलप डिटैचमेंट। बट गृहस्थ को ज्यादा अटैचमेंट है, गृहस्थ को ज्यादा अटैचमेंट है। गुरुदेव कहते थे हाउस होल्डर, हु इज होल्डिंग द हाउस, यू आर द हाउस होल्डर। सो किसी ने कहा कि somebody embraced the pillar and started complaining that pillar is not leaving him, तो गुरु ने आगे कहा अरे पागल तू तो पकड़ा है पिल्लर को, स्तंभ को, स्तंभ थोड़ी पकड़ा तेरे को। हाँ वो भूल गया, मैं ही पकड़ के रखा था, छोड़ो तुम, छोड़ दिया। मेंटली हु इज होल्डिंग द हाउस, यू। आपकी चिंता कैसी है मरने के बाद पोता क्या करेगा इस घर को लेकर के, बेटा क्या करेगा, नॉनसेंस। विरक्त हो जाओ, जो करना है काम करो, जो कर्तव्य निभाना है निभा लो। असंगी हो जाओगे तो आपको आनंद ही आनंद है, ठीक है। तो वैराग्य का मतलब क्या है, अंतत्याग बहित्याग डिटैचमेंट विदाउट राग एंड द्वेष, दैट इज अ मीनिंग ऑफ इट। बहिस्त विषय ही संगम विल सी टुमारो 374। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।